रूस के सुदूर पूर्व के विकास में सहयोग देगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचवें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में की व्लादिवोस्तोक के लिए $1 अरब का ऋण देने की घोषणा। भारत और रूस की कंपनियों के बीच अरबों डॉलर के 50 से ज्यादा हुए व्यावसायिक समझौते। दो दिन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 46 शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को बताया अहम। प्रधानमंत्री शिक्षकों से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने में की सक्रिय भागीदारी की अपील। INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम। सीबीआई कोर्ट का फैसला, 19 सितंबर तक तिहाड़ में जेल नंबर 7 में रहेंगे पी चिदंबरम। देश में साल 2022 तक खाने के पदार्थों से ट्रांस फैट को 2% तक कम करने का लक्ष्य। सही पोषण के लिए FSSAI के ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देश में हर पंचायत, जिले और शहर तक लोगों को खाने की सही जानकारी पहुंचाना मकसद। और DU, BHU और IIT मद्रास समेत 5 सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों को मिला उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर फैसला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से 5 निजी संस्थानों को भी उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा।